व्यूअर्स वेलकम बैक इन अवर प्रोग्राम। व्यूअर्स हुण असीं आपां गलबात करन जा रहे हां कश्मीर मुद्दे ते। व्यूअर्स जिस तरह कि असीं जानदे हां कि लगभग 2 हफ्ते बाद जो 5 अगस्त का वो काला दिन आ रहा है जदों भारत सरकार ने आइनी गुंडागर्दी करदिआं जम्मू कश्मीर विच आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीर नूं खुली जेल विच जो है बदल दिता सी। जिहड़ा जुल्म वो अज उसे तरह ही जारी है और कश्मीर मुद्दे ते पाकिस्तान दी जो फौज दे कोर कमांडर्स दी जो मीटिंग हुई है उस दे विच कश्मीर मुद्दे नूं विचारिया गया है और कि पाकिस्तानी जो फौज कश्मीर विच कोई खास कार्रवाई करन जा रही है इस बारे काफ़ी क्या सराइयां ने वो लगाईयां जा रही हैं। सो इस उपर आपां डिस्कस करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां भी तुहाडे नाल साझियां करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुनने तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान दी डिफेंस ही नहीं इंटरनल एक्सटरनल उना दे प्राइड दी भी रीढ़ दी हड्डी है जे। बहुत बार बेशक ISI नूं क्रेडिट दिता जांदा है जां डिसक्रेडिट दुश्मन वालों दिता जांदा है फॉर डिफरेंट रीजनस, पर इस गल दा भी ध्यान रहे कि ISI भी अल्टीमेटली जिहड़ा है वो पाकिस्तान दी फौज दी स्ट्रेंथ दे उत्ते जां उना दी स्ट्रैटजी नूं ही अगे तोरदी है। सो पाकिस्तानी फौज पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। इहदी डिबेट हो सकदी है कि जी डेमोक्रेटिक सोसाइटी ज फौज का की रोल, ये असी नहीं जाना चाहते, पर ये कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जदों ईवन सिविलियन गवर्नमेंट्स भी हटाया गया है कू होया तो आम तौर पर लोगों वालों वेलकम ही किया गया। ये नहीं होया भी लोगों ने सड़कों पर आके कोई टैंकों के सामने खलो गए ज कोई होया। इस तो जाहिर है कि फौज जे जदों उन्होंने टेकओवर भी किया, हालांकि ज्यादतियां तो सिविल च भी होंदियां ने, उन्हां तो भी हुई होणगियां जां होंदियां ने, लेकिन बाई एंड लार्ज जिहड़ी पीपल फ्रेंडली आर्मी है क्योंकि उन्होंने मुसीबत दे वेले मुश्किल दे वेले जिहड़ा है उस सोसाइटी नूं अगवाई भी दित्ती और चंगा रुझान रहा है कि जदों हालात नॉर्मल होए उन्होंने फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नूं मौका दिता है सिविलियन गवर्नमेंट्स नूं। ये वक्री गल है कि फिर उन्हां दी परफॉर्मेंस जदों नहीं हुंदी ते लोकां वल्लों ही ये मंग किते ना किते चल रही हुंदी है और उदा इन और इदे च इक गल होर के आर्मी दे विच भी ठीक है एक कमांडर इन चीफ जिहड़ा वह पावरफुल है, लेकिन रियल जिहड़ी पावर लाई करदी है कॉप्स कमांडर दी करदी है, कोर कमांडर भी उन्हां नूं कहिंदे ने कि जाहिर है कि भी जिहड़ी उन्हां दी ताकत है उन्होंने की डायरेक्शन देनी है इस दे उत्ते जिहड़ी पॉलिसीज़ डिसाइड हुंदियां ने। और कई बार उन्होंने मेरा ख्याल है भी मीटिंग्स एक पब्लिक नहीं होंगी है, बहुत बार जो भी कोई क्राइसिस का पीरियड होंगे उस तो पहला वो देखते हैं, पर जी खबर भारत एजेंसियां ने भी प्रोमीनेंस के नाल लाई क्योंकि उन्होंने भी यकीनी बनाया पाकिस्तान ने कि भी ये जी मीटिंग उन्होंने कॉप्स कमांडर की रावलपिंडी के हुई और उस बारे ईवन जे DGISPR ने उन्होंने भी ट्वीट किया 233rd कॉप्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस प्रिजाइडेड बाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा हेल्ड टुडे एट जनरल हेडक्वार्टर फोरम रिव्यूड ऑपरेशनल रेडीनेस एंड इवॉल्विंग थ्रेट स्पेक्ट्रम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंप्लीमेंटेड एफर्ट्स पुट इन बाई ऑल फॉर्मेशन। हूँ ये फोटो भी पब्लिक की गई, तो ये पहली बार है कि सारे पीरियड जदों के चाइना इंडिया दूजा और पाकिस्तान का कोई भी वोकल इस दे उत्ते नहीं सी और इस गल नूं भी यकीनी बनाया गया हुण इस दे विच जिथे उन्होंने रिव्यू किया सिचुएशन नूं। लेकिन ये मीटिंग भी सिर्फ ये दसण लई नहीं सी कि एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड्स नाल किवें निबड़ना है कश्मीर सेंट्रिक। 5 अगस्त का दिन आ रहा है, लगभग एक साल पहला आईनी गुंडागर्दी लफज तो इस्तेमाल किया। गुंडागर्दी कल्ली स्ट्रीट दे विच गुंडे नहीं हुंदे, जदों तुसी ब्रूटल मेजोरिटी दे नाल जां मेजोरिटेरियन एक रूल बना दे हो जिहड़ा नफरत दे उत्ते सोसाइटी नूं पोलराइज करके जिहड़ा तुसी पावर कर लो उहदे थले तुसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन आईन दियां ही धज्जियां उड़ा दे हो, इह आईनी गुंडागर्दी है कि तुसी कमिटमेंट भुल गए, तुसी उहदी कॉन्स्टिट्यूशन दी वैसे उहनूं फड़ के सहुं चुकदे हो तो उहदी सेंक्टिटी तुसीं उड़ा दिंदे हो। ऊं जिहड़ा कही जाओ कि जी ये साडे लई जिहड़ा उह सैक्रेड काऊ है, असीं संविधान दे थले सहुं चुकी है। हुण इस सारे दे विच जिहड़ा दूसरा इस सारी मीटिंग दा पार्ट सी, मीटिंग जिहड़ी है
रावलपिंडी हुई और इनू चेयर किया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने और जिहड़ी गल खास तौर पर मेजर जनरल आसफ गफूर जिहड़े बड़े आर्टिकुलेट ने मैं उन्होंने एडमायर करदा दा वे ही यूज टू हैंडल मीडिया जो खुद ब्रीफिंग करते और उन्होंने कहा कि भी ये दो पार्ट उन्होंने रिव्यूड ऑपरेशनल रेडीनेस कि भाई कोई भी ऑपरेशनल जो हूँ चाइना पाकिस्तान एक फ्रंट से होने की गल होंगी इवॉल्विंग थ्रेट स्पैक्ट्रम इन कॉन्टेक्सट ऑफ एक्सटरनल एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री की थ्रेट स्पैक्ट्रम है हर एक पता है भी वो की कह रहे हैं पर नाल दे ही स्पोक ऑफ मेंटेनिंग हाई लैवल कंबैट रेडीनेस पर्टिकुलरली इन द वेक ऑफ रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करवाया ग्वादर पोर्ट को लैके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ते कि भाई इनू और नाल दी नाल दे टुक स्पेशल नोट ऑफ कंटिन्यूड एट्रोसिटीज इन द इंडियन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज इलीगल एक्शन ऑफ August 5, 2019 कंप्लीट वन ईयर नैक्सट मंथ फोरम पेड रिच ट्रिब्यूट टू ब्रेव कश्मीरीज फॉर देयर लेजिटिमेट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हूँ कोई वर्ड मिस नहीं किए उन्होंने कहा जी असी जड़े कश्मीरी जुझारू अपनी आजादी लई लड़ रहे ने उन्होंने असी ट्रिब्यूट देंदे और जड़ा नाल दी नाल उन्होंने इस सारे नूं भी रिव्यू किया सो इस दे उत्ते क्यास राइया ने अड अड सैक्टर्स दे विच के भी की कोई स्पेसिफिक कश्मीर दे विच इन्हां दिनां च पाकिस्तानी फौज कोई छापामार कार्रवाई कर सकती है कोई होर एक्टिविटी हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी इस गल का खदशा जाहिर किया गया ईवन इंडियन जड़े एनालिस्ट ने कि चाइना दे नाल जिवें जिवें अमरीका दा इत्थे तेज़ हो रहा काम चाइनीज आर्मी भी जड़ी है वो कश्मीर दे विच एंटर कर सकती है और क्योंकि हुण ये टू प्रोंग वॉर नहीं है हुण चाइना और पाकिस्तान एक पेज ते होणगे और ऑलरेडी मीटिंग पॉइंट गिलगित बलिस्तान है और इस सारे दे विच ये जड़ी कोर कमांडर्स की मीटिंग है ये होर भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि रियल पावर आर्मी चीफ तो है ही है वो कोर कमांडर्स को होंदी है और एक रिटायर्ड पाकिस्तान दे आर्मी ऑफिसर एक बार जड़े गल कर रहे सी कि भी किवें जड़ा जदों ईवन जड़ा चीफ ऑफ आर्मी है वो उदे कोल ही हकूमत होए हुण तां इमरान खान सिविलियन गवर्नमेंट है वो कहंदे ने भी जड़े कोर कमांडर्स ने वो अपना डिस्पलेशर किवें दिखांदे ने जिदे थले उन्हों चीफ नू लगता है कि भाई हुण मेरी गल नहीं पुरनी कि भी उन्हें कोई जोक सुनाया तो जिहड़े कोर कमांडर ने स्टोनी बना के बह वो हस ही नहीं रहे उन्हों पता लग जाता है कि भी नहीं ये हुण मेरी गल मुक गई और इहदे च कोई तब्दीली करो स्टेटस को सो मैं समझदा भी हुण तां उन्होंने सीरीयस गुफ्तगू की है इस गल नू पब्लिक भी किया यकीनी बनाया कि दुश्मन के कन्नां तक पहुँचे कि भाई असी जिहड़ा वो बैठे हैं और की होएगा ये तो जां वो जानते ने जां रब जानदा पर असी ये समझते हैं कि भी ये मैसेज देना इंडियन सिस्टम नूं और जिहड़े कश्मीरी लड़ रहे ने बहादुरी दे नाल ये बड़ा जरूरी सी और मैं क्लोजिंग तो पहला बाबा फरीद गंज शक्कर जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च 130 श्लोक असी रोजाना 2 या 3 श्लोक विचार अधीन लियांदे अज उन्हां दी काफ़ी जिहड़ी जिसनों आम कहना होए कि भी उन्होंने पिछले श्लोकों असी विचारिया कि मौत का डर मौत की अल्टीमेट इनविंसिबिलिटी कि मौत नहीं जितना अल्टीमेटली जिंदगी के उत्ते और अज उन्होंने फिर थोड़ी सख्त तौर के उत्ते जिहड़ा इन श्लोकों के याद दहानी कराई है कि जिहड़ा रब दे नाल जुड़िया होया नहीं है ये सारे दी जिहनूं समझ नहीं है उन्हों फिर वह धरती पर भी भार है उदा सिर भी सिर दे उत्ते रहन दे काबल नहीं है धड़ दे उत्ते और वो जिहड़ा रब दे दर ते तां नकारिया होया है वह बिल्कुल बेशुकर है और ये पहला श्लोक है श्लोक नंबर 70, 71, 72 असी विचारांगे फरीदा बेनवाजा कुत्तिया ए ना भली रीत कब ही चल ना आया पंजे वक्त मसीत हुण बेशक कल जदों असी कुत्ते दे गुणां दी गल कीती ते जाहर है कि उस दे विच उस दी वफादारी और उस दा मालक दे दर ते खलोणा उहदे च असी गुरु साहिब नूं भी कोट कीता बुल्ले शाह भी इक लाइन जिहड़ी साडे इक दर्शक ने कही कि भाई कि मालक दा दर कदे ना छड दे भावें मारो 100 जुत्ते तैथों उत्ते ये
लेकिन अज जदों बाबा फरीद हुण इंसानी जून की गल हो रही है कि भी कित्थे एक इंसान दे रूप दे विच इंसानी फॉर्म दे विच ह्यूमन बॉडी दी गिफ्ट मिली है जिथे कि कुत्ता जिहड़ा कि गुलामी च भी है वो किस किस्म दा उसकी जिंदगी है ते जिहड़ा बंदा इंसानी जिंदगी दी अहमियत नूं नहीं समझदा वो फिर कुत्ते तो भी बदतर है और उहदे च उहनां ने उन्होंने जेडे के अपने आप मोमन कहते हैं मुसलमान कहते हैं पर ना उन्होंने अपनी नमाज गुजारण का फिक्र है ना उन्होंने मसीत जान दे। बाबा फरीद कहते हैं बेशक एड्रेस अगेन अपने आप नीता है फरीदा बेनवाजा कुत्तिया ए न भली रीत कब ही चल ना आया पंजे वक्त मसीत बेनवाज तू नमाज नहीं पढ़ रहा तू बेनवाजा है और तू कुत्ते वांग है तेनू ये तेरी जिंदगी ये ना भरी रही तो तेरी जिंदगी का दस्तूर ठीक नहीं है कि तू मसीत विच पांच वेड़े नमाज पढ़न नहीं जांदा मतलब यह कि तू मोमन है तू जड़ा वो कलमा पढ़िया होया है और ये तेरे ते फर्ज है कि तू नमाज पढ़े पांच वेड़े पर तू इस फर्ज तो गाफल है और सवेर की नमाज फजर की उस जो अदा नहीं करता उसते उन्हें क्या उठ फरीदा उजू साज सुबह नवाज गुजार जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार उजू करना हाथ पैर मुंह धोना नमाज तो पहला ये जरूरी है जिहड़े पांच नमाजा ने और नमाज पढ़न तो पहला उजू किया जाता है और बाबा फरीद कहते हैं कि भाई उठ फरीदा तू सुता पिया है उठ के उजू कर और नमाज पढ़ नमाज गुजार नमाज अदा कर ये गल याद रख के जेड़ा क्योंकि नमाज दे विच सजदा है और उदो सिर नवाया जांदा है सजदे दे विच और जेड़ा नमाज ही नहीं पढ़ता और सजदा की करेगा सजदा तो रब नूं अल्लाह ताला नूं कीता जांदा है उन्होंने कहा भी जो सिर साई ना निवे कि जेड़ा सजदा नहीं करता उस नमाज दे नाल नहीं जुड़िया होया सो सिर कप उतार ये कि उस सिर नूं फिर कट देना चाहिए ये अपने आप नूं कहा भी ये तेरा की फायदा है इस सिर दा जे ये रब दी दे जड़ा याद दे विच सजदे दे विच नहीं जुड़िया और अखीरला जड़ा श्लोक विचार अधीन है वो भी इसे दे उत्ते ही है इसलिए मैं आज तीन श्लोक चुने ने जो सिर साई ना निवै सो सिर कीजै काए कुन्ने हेठ जलाई है बालन संदे थाए हुण ये ना किसी नूं लगे कि यह जड़ा फतवा है कि भाई सिर कप उतार एक किसी नूं हक दिता है कि भाई वह आके सिर उतार ला देगा कि भाई तू नमाजी नमाज क्यों नहीं पढ़ी अपने आप नूं तकारना कहिंदे ने अपने आप नूं फटकारना पर बाबा फरीद कहिंदे ने कि भी जिहड़ा सिर निवदा ही नहीं है उस सजदे दे विच अल्लाह ताला रब की याद दे विच उस सिर का की करना उन्हूं कादे लई उन्होंने कहा भी फिर कुन्ने हेठ जलाई है बालन संद कुन्नी शायद कश्मीरी जबान च है जां हंडी या हांडी जिन्हों कहते हैं उन्होंने कुन्नी भी कहा जाता है कि भाई जे तुसी हुण कुन्नी दे विच कोई चीज़ रिन रहे हो जाहिर है कि उस वेले कोई गैस के चुल्हे तो है नहीं सी बालन ही सी गोए ने या लकड़ है तो बाबा फरीद कहते हैं भी जिहड़ा सिर रब की याद दे विच सजदे च नहीं झुकदा उन्हों जिहड़ा बालन की थान ते लकड़ की थान ते कुन्नी दे हेठ साड़ दे उन्हों रहण दा हक नहीं है ये है अपने आप नूं हर हीले फिटकार के ये अपने आप नूं याद दहानी करवाना कि ऐ इंसान तेरी जिंदगी का मकसद रब की याद है रब की इबादत है रब की मुहब्बत है जे उदे नाल जुड़ेगा तो फिर खालक खलक खलक मैं खालक पूर रहो सब थाई तेनों समझ आएगा कि खालक खलकत च वसद है तो फिर तू खलकत की भी सेवा करेंगा तो जे तू खालक दा नहीं है ते फिर तू खलकदा भी नहीं है जी डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया तुसी आज दे अहम इशू ते आज दा विचार सारे दर्शकों नाल सांझा कीता सो असना व्यूअर्स को लेने अपने इजाजत के व्यूअर्स साडे प्रोग्राम दा समय इत्थे समाप्त हुंदा तुसी अपनी राय ते सुझाव सानू भेजना भुलना साडे इस पते ते sosrtv4.tv ते असी अपना प्रोग्राम लैके फिर दोबारा तुहाडे सन्मुख होवांगे तद तक लई मैनू ते अपना रसना गया दो देखदे रहो टीवी 4 बुला दिओ फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।